स्टूडेंट्स, आज हम सिकता सेतु का दूसरा पैराग्राफ देखेंगे, दूसरी वीडियो में देखेंगे कि आगे क्या हुआ। जिसमें जल के उछलने की ध्वनि सुनाई देती है, उसके बाद क्या हुआ। आइए, कुतः अयम कल्लोल उच्छल ध्वनि, कुतः कहाँ से, अरे कहाँ से यह जल के तरंगों के उछलने की ध्वनि, तो अपनी तरफ से स्पष्ट करने के लिए आ रही है। कुतः कहाँ से अयम यह, अरे हे कल्लोल उच्छल ध्वनि, जल के उछलने की ध्वनि, अर्थात यह जल के उछलने की ध्वनि कहाँ से, आवाज़ कहाँ से आ रही है। महामत्स्य मकरह वा भवेत, मत्स्य होता है मछली, और महामत्स्य बड़ी मछली वा अथवा मकरह, विसर्गों को ओ हो गया है, मकरह मीन्स मगरमच्छ, भवेत होना चाहिए, पश्यामि तावत तो देखता हूँ। पुरुषम एकम सिक्ता भी सेतु निर्माण प्रयासम कुर्वाणम दृष्ट्वा सहासम, तो जब वो जाकर के देखता है कि एक व्यक्ति जो है रेत से पुल बनाने का प्रयास कर रहा है, उसको देख करके जोर से हंसता है। एक एक शब्द को देखेंगे। पुरुषम एकम, एक पुरुष को, एक व्यक्ति को सिक्ता भी रेत के द्वारा सेतु निर्माण प्रयासम कुर्वाणम, पुल बनाने का प्रयास करते हुए दृष्टवा देख करके सहासम हंसी के साथ, हंत अरे हाय न अस्ति अभाव जगति मूर्खाणाम, जगति संसार में मूर्खाणाम मूर्खों की न नहीं अस्ति है अभाव कमी, अर्थात इस संसार में मूर्खों की कोई कमी नहीं है। तीव्र प्रवाहायाम नद्याम मूढ़ो अयम सिक्ता भी सेतु निर्मातुम प्रयतते, तीव्र प्रवाहायाम नद्याम तेज गति से बहने वाली नदी में मूढ़ो अयम यह मूर्ख सिक्ता भी रेत के द्वारा सेतु निर्मातुम प्रयते, पुल बनाने का प्रयास कर रहा है, कोशिश कर रहा है, अर्थात तेज गति से बहने वाली नदी में यह रेत के द्वारा पुल बनाने का प्रयास कर रहा है। साठ हासम पार्श्वम उपगत्य, जोर से हंस करके पास में जाकर, भो महाशय अरे श्रीमान किम इदम विधीयते, यह क्या किया जा रहा है। अलम अलम तव शर्मेण, अलम इस बस करो तव शर्मेण तुम्हारे परिश्रम से, अर्थात जो तुम परिश्रम कर रहे हो इससे बस करो, अर्थात ये परिश्रम मत करो क्योंकि ये परिश्रम करना व्यर्थ है, क्योंकि रेत से पुल नहीं बन सकता, कहने का अभिप्राय ये है। पश्य देखो राम बबंध यम से तुम शिला भी मकरालये, विदधत बालुका भी स्तम यासी त्वम अति रामताम, इसका अभिप्राय है कि श्री राम ने, राम है, राम ने शिला भी पत्थरों के द्वारा मकरालय, मकर होता है मगरमच्छ, और आलय में शुष्क स्थान जहाँ मगरमच्छ रहते, अर्थात समुद्र पर, यम सेतु बबंध जिस सेतु को, जिस पुल को बनाया था श्री राम ने पत्थरों के द्वारा, जिस पुल को समुद्र पर, जिसको, जिस पुल को बनाया था, विदधित बालुका भी तम, तम उसी को, उसी पुल को बालुका भी बालू रेत के द्वारा बनाते हुए, यासी विदधित मीन्स बनाते हुए, त्वम अति रामम यासी तुम राम का अतिक्रमण कर रहे हो, अर्थात तुम तो राम से भी आगे बढ़ जाना चाहते हो, क्या अर्थात श्री राम ने तो पत्थरों से पुल बनाया था समुद्र पर, कि तुम तो रेत से ही पुल बना करके तुम उनसे भी आगे बढ़ जाना चाहते हो, अर्थात उनसे भी कोई बड़ा करिश्मा करना चाहते हो, ये कहा गया है। चिंतय तावत, तो सोचिए सिक्ता भी क्वचित सेतु कर्तुम युज्यते, सिक्ता भी रेत के द्वारा, कहीं रेत के द्वारा पुल बनाया जा सकता है, सिक्ता भी रेत के द्वारा क्वचित कहीं सेतु पुल निर्म कर्तुम युज्यते जोड़ा जा सक, कर्तुम युज्यते युज धातु जोड़ने का अर्थ, अर्थात रेत के द्वारा भी जोड़ करके पुल कहीं बनाया जा सकता, अर्थात रेत से क्या कभी पुल बनाया जा सकता है। तो व्यक्ति कहता है, पुरुष है व्यक्ति, भो तपस्विन हे तपस्वी कथम माम उपरुण्धत्सि,
कथम क्यों मान मुझको उपरुण धत्सी रोक रहे हो, अर्थात जो मैं कार्य कर रहा हूँ इससे मुझे क्यों रोकते हो। प्रयत्नेन किम न सिद्धम भवति, प्रयत्न से कोशिश से क्या सिद्ध नहीं होता। का आवश्यकता शिलायाम, पत्थरों की क्या आवश्यकता है। सिक्ता भी रेव सेतु कृष्यामि, सौ दृढ़ संकल्प, सौ संकल्प दृढ़तया, अपने दृढ़ संकल्प से मैं रेत रेत से ही पुल का निर्माण करूँगा, पुल बनाऊँगा। तो तपोदत्ता है, तब आश्चर्य आश्चर्य करते हुए, सिक्ता भी रेव सेतु सेतुम कृषसी, रेत से ही पुल बनाओगे। सिक्ता जल प्रवाहम स्थास्यन्ति किम, सिक्ता रेत जल प्रवाहम जल के प्रवाह में स्थास्यन्ति किम ठहरेगा क्या, कि रेत के जो कण हैं वो ठहरेंगे क्या, इसलिए बहुवचन का प्रयोग किया गया है। भवता चिंतितम न वा, आपके द्वारा यह सोचा गया है या नहीं, अर्थात आपने सोचा भी है या नहीं कि जल के प्रवाह में, तेज प्रवाह में रेत जो है ये ठहर जाएगा या नहीं।